मोहताज ना होके किसी बंधन में ना बांध के मेरा मन कर एज अ कंपोजर साहब का गाना था जो मैंने कंपोज किया था एंड द सेकंड वाज ए जहां आसमां व्हिच वाज संग बाय श्रेया घोषाल एंड सोनू निगम. तो बहुत तरह के सिंगर्स हैं सर, मैं बोलना चाहूंगा चार जनरेशन के सिंगर्स से मैंने काम किया. अच्छा प्लीज आप लोग ना सेंट्रल लुक में ऐसे आप करिएगा क्योंकि सबको लुक मिल जाएगा फिर पैन करते रहेंगे पैन क्या शांतरा वेरी वार्म वेलकम टू दिस कन्वर्सेशन. अभी हमने गाना सुना और बहुत अच्छे लिरिक्स थे, कंपोज भी बहुत सुंदर किया है. तो किस तरीके से ये आप साथ में आए, क्या क्या सोचा आपने इस गाने से पहले, क्या थिंकिंग थी वो सारी आप प्लीज शेयर करें. एक्चुअली मुझसे ज़्यादा इस सवाल को सही जवाब दे पाएंगे अभिषेक भाई क्योंकि ये पूरा उनकी प्लानिंग थी. मुझे बस स्टूडियो में बुला लिए, बोले गाना है एक कि हम लोग एक साथ दो गाने रिकॉर्ड किए थे उस दिन और मैं जा रहा था उसी रात US जा रहा था. तो मैं कहाँ यार वो पैकिंग करना है ये है वो है वो बोले कुछ नहीं एक गिफ्ट है मेरी तरफ से बाकी US में गुनगुनाते रहना. तो मैं आकर जैसे गाना सुना बस दिल आ गया कि नहीं इसको तो अभी गाकर ही जाना. तो हम लोगों ने फिर गाने भी किए और वहीं एक लाइव वीडियो भी उन्होंने बना दिया और काफ़ी हम लोग इस बात पर डिस्कस भी किए कि ये क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे मकसद क्या है. एक तो ऑब्वियसली एक अच्छा गाना जब होता है मकसद वही होता है कि मिलकर अच्छा गाना करें, लेकिन साथ साथ अभिषेक इज़ बिन स्टारिंग द मार्केट, इज़ बिन मेकिंग अ सर्टन यू नो प्लान. आई थिंक इट्स बेस्ट अभिषेक इफ यू टेल अस हाउ दिस होल थिंग. थोड़ा सा मैंने धोखा किया शान भाई के साथ. धोखा मैंने ये किया कि मैंने इनको बताया नहीं कि एक ही दिन में हम दो गाने रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि आई डिडंट वांट टू यू नो अपसेट हिम इन एंटिसिपेशन कि दो गाने कैसे करेंगे, शाम को फ्लाइट है. पर ऐसा है कि बहुत तरह के सिंगर्स होते हैं और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैंने चार जनरेशन के सिंगर्स के साथ काम किया, स्टार्टिंग फ्रॉम आशा भोसले, द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, उदित नारायण, द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ शान, सोनू निगम, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान एंड द करंट जनरेशन जिनके साथ मैं आजकल काम कर रहा हूँ. तो सिंगर की जो एक लंबे रेस का जो घोड़ा होता है ना, अ वॉइस विच इज एवरग्रीन एंड विच इज ऑलवेज फ्रेश, सो शान इज डेफिनेटली वन ऑफ दोज वॉइस जो चार फिल्में आई दो साल बाद लोग भूल गए, ऐसी आवाज़ नहीं है, लंबे दौर की आवाज़ है. और मुझे ये लगता है कि मुझे लगने लगा था, हालांकि बहुत सी फिल्मों का म्यूज़िक मैंने किया है, लेकिन फिल्मों में एक घुटन सा मैं महसूस करने लग गया हूँ क्योंकि जब म्यूज़िक कंपनीज ये तय करना शुरू कर दे कि फिल्म में कौन सा गाना जाएगा और फिर उस गाने का जो बलबूता है, जिस बलबूते पर वो गाना फिल्म में आता है, द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्टिंग अ सॉन्ग इन अ फिल्म, जिस बात से हम लोग कंफर्टेबल थे कि हम डायरेक्टर के साथ इंटरेक्ट करें, सिचुएशन को समझे, उस सिचुएशन के लिए वाजिब गाना कौन सा है, कौन सी धुन सबसे अच्छी बैठती है, कौन से लिरिक्स सबसे अच्छे उस सिचुएशन के लिए अच्छे हैं, ये होता था एक गाना सिलेक्ट करने का यार्डस्टिक कि उस बलबूते पर आपने गाने को लिया कि वो उस फिल्म को फिल्म पे चार चांद लगा देता है गाना. लेकिन अगर गाने को आप इस तरह से सिलेक्ट कर रहे हो कि कौन सा गाना किस तरह से आ रहा है, वो सिलेक्शन प्रोसेस अगर कन्वोल्यूटेड हो जाए जहाँ पे डायरेक्टर का कोई से नहीं है, फिल्म प्रोड्यूसर का कोई से नहीं है, क्योंकि म्यूज़िक कंपनी का किसी के साथ बहुत ज़बरदस्त रिश्ता है और उस रिश्ते के बलबूते पर एक गाना सर फिल्म में डाल दीजिए तो उस गाने को आप प्लांट नहीं कर पाते फिल्म में, फिर वो गाना ज़बरदस्ती फिल्म में मिसफिट हो जाता है. तो ये हालात कुछ ज़्यादा ही आजकल छाया हुआ है जिसके कारण जो है इंडिया की जनता इस बात से अवगत है, इस बात से परिचित है कि मेलोडी गायब हो रहा है, बाकी सब कुछ है, साउंड है, स्मार्ट अरेंजमेंट्स है, सब कुछ है, बट मेलोडी और लिरिक्स की जो एक सिंपल और प्रोफाउंड बॉन्डिंग होता है जिसके कारण हम पुराने गाने आज तक गुनगुनाते हैं. हम कुछ भी कहे कि ये गाना आ गया वो आ गया, अब पैसा लगा के यूट्यूब के व्यूज़ बढ़ाना वो गाने की पहचान नहीं है, गाने की एक अपनी उड़ान होती है जो गाना
कोई खर्चा नहीं हो रहा है जिसकी पब्लिसिटी पे, जो गाना लगातार चलते आ रहा है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, लग जा गले एक गाना है, अब बच्चे से लेके बूढ़े तक उस गाने का जिक्र कीजिए, सबको पता है लग जा गले गाना है और सब गुनगुना देंगे। फिल्म कौन सी थी किसी को याद नहीं है, सब भूल गए, आपको भी याद नहीं होगा, इनको भी याद नहीं होगा कौन सी फिल्म थी। तो हिंदी बस यही है, लता जी की आवाज में कमाल का गाना, मदन मोहन जी का म्यूजिक है, कंपोजिशन है, ये सबको याद है। और तो ये थी हिंदी फिल्मों के गानों की गरिमा, साधना की, गाना कहाँ तक चला जाता है, गाने की उड़ान बंद ही नहीं होती, उठते उठता ही जाता है गाना। फिल्म लोग भूल जाते हैं, युग बदल जाते हैं, लेकिन गाना चलता जाता है। दैट इज द पावर ऑफ अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, अ गुड मेलोडी, एंड दैट कम्स फ्रॉम थ्री थिंग्स, लिरिक्स, कॉम्पोजिशन। उन दोनों का जो सीमेंटिंग है लिरिक्स और कॉम्पोजिशन का, वो अनायास ऐसा होना चाहिए कि गुनगुनाने का मन करे। एंड ऑफकोर्स सिंगर इज द पर्सन हु गिव्स द सॉन्ग इज फ्लाइट। तो ये जो कॉम्बिनेशन, ये बड़ा ही सरल सा है मामला, ये बहुत ही निर्लिप सा एक मामला है जिसमें कोई करप्शन नहीं है। गाना करप्शन से नहीं बनता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आप पैसा कमा सकते हो करप्शन से, लेकिन एक सुंदर मेलेडी, एक सुंदर गाना जो गाने का मन करे, वो करप्शन से नहीं बनता। गाना सिलेक्ट करने का जो बलबूता है वो सिर्फ टैलेंट होना चाहिए और कुछ और नहीं। और इसी बात को सामने रख के मैंने ये तय किया है पिछले 2 साल से कि हर महीने एक गाना बनाऊंगा, किसी पे मोहताज होके नहीं, किसी कंपनी के लिए नहीं, किसी को खुश करने के लिए नहीं, मुझे जो अच्छा लगे, जिसको मुझे लगता है कि ये गाना जनता को अच्छा लगेगा, वो गाना मैं बना रहा हूँ। और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इसलिए मिला क्योंकि पिछले साल मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड में जो बेस्ट नॉन फिल्म सॉन्ग ऑफ द ईयर था वो मुझे मिला, जिससे मुझे खुशी हुई है, थोड़ी कॉन्फिडेंस मिला कि मैं इस तरह का काम फिल्म के अलावा ये भी कर सकता हूँ, सिर्फ फिल्मों पे मोहताज ना रहूँ। तो उसमें 2 गाने थे, एक गाना था ये दिल अजीब है, ये गुलजार साहब ने लिखा था और हरिहरन साहब ने गाया था, दैट वॉज द नॉमिनी। एंड जो गाना जीता दैट वॉज सॉन्ग कॉल्ड ए जहां आसमां, सॉन्ग बाय श्रेया घोषाल एंड सोनू निगम। सो आफ्टर दैट आई बीन वर्किंग विद अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ सॉन्ग विद गुलजार साहब, विद कविता कृष्णमूर्ति, आई हैव डन 2 more songs विद शान। एंड आने वाले मौसम में, इसी मौसम में आप एक और खूबसूरत सा गाना सुनेंगे जो बारिश का गाना है और बेहतरीन लिखा है अविनाश भाई ने। व्हाई आई लाइक अविनाश्स राइटिंग इज बिकॉज मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी गुलजार साहब के साथ। मैं दिल्ली में था, मैं पढ़ रहा था और मैं टेलीविजन का म्यूजिक करता था। आई मेट गुलजार साहब एक्सीडेंटली इन एन एयरपोर्ट, और उन दिनों ऑडियो टेप्स का ज़माना था, तो मेरे बैकपैक में ऑडियो टेप्स थे जिसमें कुछ मेरे कॉम्पोजिशंस थे। तो मैंने उनसे बोला कि आप तो बरगद की तरह है, मैं एक नन्हा सा पौधा हूँ आपके सामने, मैं कुछ नहीं हूँ, पर फिर भी मेरी तसल्ली के लिए ये टेप आपको मैं सौंप रहा हूँ। मुझे पता है आप नहीं सुनेंगे लेकिन मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने गुलजार साहब को एक टेप दिया जिसमें मेरे कॉम्पोजिशंस हैं। तो उस तरह से वो टेप मैंने दे दिया, उसके बाद भूल भी गया। और 3-4 दिन बाद जो है उनके ऑफिस से फ़ोन आया कि दिस इज़ कुट्टी हियर, आई स्टिल रिमेंबर, गुलजार वुड लाइक टू टॉक टू यू। तो मैं तो गिर गया था क्योंकि मैं भूल ही गया कि कोई चांस ही नहीं था। तो एक उस तरह से एक मेरा एक जर्नी शुरू हुआ जो मुझे बॉम्बे लेके आया, फिल्मों तक लेके आया। देन आई डिड फिल्म्स लाइक हासिल, पान सिंह तोमर, साहेब बीबी और गैंगस्टर, वेलकम बैक, आई एम कलाम, बहुत सारी अलग अलग विभिन्न तरह की फिल्में की। पर गुलजार साहब का जो योगदान रहा है वो ये रहा है कि मेरी हिंदी परिष्कृत है, मुझे अच्छे लिरिक्स अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत वाहियात लिरिक्स के साथ मैं काम नहीं कर सकता हूँ। और अविनाश के लिरिक्स में मुझे बहुत साल बाद एक अलग इमेजरी, जिसको कहते हैं ना, कि फिल्म का लिरिक्स करना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि आप कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे आपने कठिन शब्द यूज़ किए, यू आर एलिनेटिंग योर ऑडियंस, ऑडियंस को जज्ब नहीं कर पाता। तो एक बहुत बड़ी बात को बहुत सहज शब्दों में बोल जाना, ये जो कला है ये कवियों के पास नहीं है। इसीलिए एक लिरिसिस्ट को मैं हमेशा कवि से ऊंचा दर्जा देता हूँ कि लिरिसिक्स को मीटर, मेलेडी, गाने की जात क्या है, फिल्म का सिचुएशन क्या है, ये सब कुछ समझते हुए शब्दों का चयन करना पड़ता है। और आई एम वेरी हैप्पी विथ हिज लिरिक्स। एंड हमारा अगला गाना है बदरा हुआ मन, विच विल अगेन कम इन अ फ्यू डेज फॉर यू, एंड द रेस्ट शान विल टेल यू। पूरी तरह से एक तो अग्री भी करता हूँ, लेकिन साथ साथ हम लोग इतने सालों के दोस्त हैं, मुझे कभी पता नहीं था कि अभिषेक की हिंदी इतनी परिष्कृत है। बाप रे बाप, चेस्ट कोई शब्द होता है? हाँ, चेस्ट है, शुद्ध। बाप रे बाप, फैंटास्टिक। कि हम दोनों बंगाली हैं और दोनों अंग्रेजी में फुट 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 करके बातें करते रहते हैं, तो मुझे पता ही नहीं था कि ऑब्वियसली दिल्ली के हैं और दिल्ली से ज्यादा आई थिंक ही एंजॉयज हिज हिंदी है, जो मैं आज समझ में आया। मुझे भाषा अच्छी भाषा ठीक लगती है। लेकिन अभिषेक रॉय के बारे में ज़रूर बताऊंगा कि मैं जब से इनके साथ काम कर रहा हूँ, मैं हर बार कुछ ना कुछ नया सरप्राइज मेरे सामने, ये जैसे आज ये सरप्राइज मुझे मिला है
کہ نہ صرف کمپوز کرتے ہیں, اتنے سارے انسٹرومنٹس وہ خود بجاتے ہیں, خود سارا پورا جو گانا ہے پروگرام کرتے ہیں, اور سب سے ضروری بات ہے ان کی جو میوزیکل انٹیگریٹی ہے نا اسے کبھی نہیں چھوڑتے. جو چیز میوزیکل نہیں ہو, جو چیز زبردستی آج کل ایک ٹرینڈ ہے یا ہٹ ہے یا اس چکر میں ایک ہر میرے میں بھی ہے انسیکیورٹی ہو جاتی ہے, میں بھی سوچتا ہوں کہ آج کل جیسے گا رہے اس طرح سے گا دوں کچھ, اس طرح سے کچھ کر دوں, یہ مجھے کبھی الاؤ نہیں کرتے. بولتے نہیں یار جو تم میں ہے وہ تم میں وہ تمہاری چیز ہے, کسی اور کو نقل کر کے نہ تم وہ بن پاؤ گے نہ تم خود بن پاؤ گے. لیکن بٹ اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹیکس اے لاٹ آف کریج ٹو اسٹک ٹو یور گنز ٹو ڈو واٹ یو وانٹ ٹو ڈو. سو آئی تھنک ابھیشیک ہے ایسے گنے چنے کچھ کمپوزرز ہیں جو اپنی چیز چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ چھوڑتے نہیں. کئی بات جیسے شان نے بہت کمال کی ایک بات کہی کہ جو آپ کی اپنی خاصیت ہے, ہر ایک سنگر کی, لیرسسٹ کی یا میوزک کمپوزر کی ایک اپنی بنیادی خاصیت ہوتی ہے, اس بنیادی خاصیت کو کبھی آپ کو بازار کے دباؤ کی وجہ سے اس کو چینج نہیں کرنا چاہیے. میں جیسا ہوں, میں جیسا سوچتا ہوں, میں جیسا لکھتا ہوں, میری روح جس بات سے ایگری کرتی ہے مجھے وہ لکھنا چاہیے, مجھے وہ کرنا چاہیے. فارچونیٹلی میری بہت کیریئر کی شروعات میں میں ایسے دو دگجوں کے ساتھ کام کر رہا ہوں جو وہ کرتے ہیں جو ان کی روح کہتی ہے, جو کبھی بھی مارکیٹ پریشر کی وجہ سے اپنی بنیاد کو بدلتے نہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ بڑی, اور یہ کمبینیشن جو پچھلے 3-4 گانوں میں ہمارا بنا ہے, آپ اس کے جب بھی آؤٹ پٹ دیکھیں گے, ایک آؤٹ پٹ آپ نے آج دیکھا اجلی اجلی کا, اور دو ہمارے گانے لائنڈ اپ ہیں جو بہت جلدی آنے والے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ بہت روحانی طریقے سے ہر لفظ کی ایک جسمانیت ہوتی ہے. اس جسمانیت کو ہم نے پکڑا ہے اور اس کو اسی خوبصورتی سے شان دادا نے گایا ہے, اور اس کو بہت بہت میلوڈیس طریقے سے پرویا ہے. لیکن آج کی جنریشن کی جو چاہت ہے اس کو اس طریقے سے پروستے ہوئے مجھے لگتا ہے یہ جو بلینڈ کرنے کی کلا ہے یہ ابھیشیک کے اندر بہت کمال کی ہے, کہ وہ روح کو زندہ رکھتے ہوئے بھی اس کے جسم کو اس طریقے سے سجاتے ہیں کہ وہ لگے کہ یہ بالکل آپ کی بات ہے. آپ کی بات کو آپ کے لہجے میں کس طریقے سے کہا جائے یہ خاصیت ابھیشیک کی ہے. اور آواز کے بارے میں مجھے کہنے کا مجھے لگتا ہے کہ ایک کریٹیکل ماس جو ہے نا گانوں کا, کیونکہ یہ دیش جو ہے مجھے لگتا ہے میلڈی پردھان دیش ہے. ہم کچھ بھی کہیں ہمارے سارے لوگ بچے بوڑھے میلڈی پسند کرتے ہیں, اور جو بھی گانے وہ گنگناتے ہیں وہ وہی گانے ہیں جن کو وہ گا سکتے ہیں. کچھ گانے ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ سن سکتے ہیں لیکن گا نہیں سکتے, گنگنانے کا من نہیں کرتا ہے. تو جس دن وہ جب تک وہ گانا ہیمر ہوتا ہے تب تک وہ گانا لوگ سنتے ہیں, جس دن ہیمرنگ بند اس دن گانا غائب. گانے وہ ٹک جاتے ہیں جن کا لیرکس اور میلڈی کی جو چارٹ پکتی ہے وہ ایسا پکا ہوا ہے کہ آپ کا بار بار گانے کا من کرے, آپ کہیں اندر سے وہ چھو جائے. تو کمپوزر ہوتے ہوئے ایک بات بتاؤں گا, اور شاید غلط یوگ میں پیدا ہوا ہوں, کیونکہ میرے خیال سے ڈی جے ہونا زیادہ فائدہ مند تھا آج کے ڈیٹ میں, کیونکہ دن بھر سوتا رات میں جاگتا, آس پاس خوبصورت لڑکیاں ہوتی, اوروں کے گانے بجاتا اور تھوڑا سا ہل ڈل لیتا, کیونکہ ایک کمپوزر بننے کے لیے یو ہیو ٹو نو انڈین کلاسیکل, ویسٹرن کلاسیکل, جیز, فوک میوزک, آل فارمز آف میوزک, اسپیشلی ہندی فلموں کا کمپوزر تو مجھے لگتا ہے کہ ہول ورلڈ کا سب سے ڈیمانڈنگ کام ہے. Every genre is there in a Hindi film. You know, you cannot say, I don't do that, I don't do jazz, I don't do item numbers. You have to do everything from a classical song to an item number to a jazz number. This is a very demanding kind of a profession in which you have to really be up, you know, thorough with your craft. اور میں فلموں کا بیک گراؤنڈ اسکورس بھی کرتا ہوں, تو فلم میکنگ کا ایک ٹوٹل نچوڑ ہونا چاہیے آپ کے اندر ٹو بی اے کمپوزر. بٹ انکریزنگلی جو حالات ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت کم محنت میں اگر ڈی جے بن جاتا, کچھ اور بن جاتا, تو شاید فائنینشلی بہتر ہوتی کنڈیشن. پر خیر یہ جب غلطی ہو ہی گئی, جب بن ہی گیا ہوں, تو دھنوں کی ایک فطرت ہوتی ہے جو آپ کو بتاتا ہوں. میلڈی از سم تھنگ دیٹ کمس ٹو یو لائک اے ڈراپلیٹ آف رین, اور وہ کب آتی ہے جب آپ نہیں چاہتے اس کو آتے ہوئے. یو آر ڈرائیونگ اے کار, یو آر ٹریولنگ, آپ کچھ ایسا کر رہے ہو جس کے ساتھ دور دور تک کوئی کنیکشن نہیں ہے میوزک کا, لیکن اچانک ایک دھن ٹپک جاتی ہے ذہن میں, اور وہ دھن پھر آپ کو بار بار نیک کرتی رہتی ہے کہ مجھے جنم دو, مجھے جنم دو, مجھے جنم. ارے بھیا نہیں جنم دینا ہے, کوئی نہیں لے گا تمہیں آج کی ڈیٹ میں, نہیں مجھے تو پیدا کرو. تو یہ بار بار ایک آپ کو امپریگنیٹڈ ہو جاتا ہے ایک دھن کے ساتھ, پھر وہ دھن آپ کو ہانٹ کرتی رہتی ہے, پھر ایک پوائنٹ پہ آپ کو ایک کگار پہ وہ لے آتی ہے جب وہ کہتی ہے کہ نہیں گانا بناؤ, تب آپ کسی لیریسٹ کا ہاتھ پکڑتے ہو کہ بھیا یہ دھن ہے, یہ مجھے چھوڑ نہیں رہی اکیلے, اس کو شبدوں میں پھرو اور اس کو میں ڈمی لیریکس آپ کو دے رہا ہوں, آپ اس کو ریپلیس کرو, اینڈ دین اے میگنیفیسنٹ سنگر کمز یور وے ہو از ریڈی ٹو کوآپریٹ اینڈ ہو سیز اوکے
इस गाने में मैं विश्वास करता हूँ, इस गाने को बनाते हैं, तो ये एक बहुत ही सरल सा जिद है, धुन की एक बहुत सरल सी एक जिद होती है कि मुझे पैदा करो, मुझे गाने में परिवर्तित करो।